हेलो मेरे ब्यूटीफुल से सब्सक्राइबर्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दिवाली का त्योहार आप सभी ने मिलके बहुत ही अच्छे से मनाया होगा। चलिए फ्रेंड्स, सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं तो आज हम जो बाजारों से खरीद खरीद के खाते हैं ना गुड़पट्टी, और बहुत ही स्वाद लगती है, तो देख लेते हैं कि वो घर में कैसे बनती है। और बहुत ही आसान है, फिर आप बाजार वाली गुड़पट्टी तो बिल्कुल नहीं खाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए जरूर से ट्राई करते हैं। देखिए, उसके लिए हमें दो ही आइटम चाहिए। सबसे पहले जो हमारी मूंगफलियां आती हैं, वो हमने इनको छील लिया है, और इनका ऊपर से जो गुलाबी वाला छिलका होता है, इस प्रकार से उसको हटा देना है, जितना आपसे उसको रगड़ रगड़ के हटाया जाए। ये मूंगफली वो है जो हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये कच्ची मूंगफलियां नहीं है, ये भुनी हुई मूंगफली जो ठेलों पे हम गर्म सर्दियों में लेके आते हैं, ये मूंगफली है। तो हमें वही मूंगफली लेनी है, और हमने इनको छील लिया। और ये हमने लिया है अपना 150 ग्राम गुड़। ये गुड़ को हमने थोड़ा छोटा छोटा टुकड़ों में तोड़ लिया है, और इसको हमने ले लिया है। तो बस हमें दो ही आइटम चाहिए, गुड़ और मूंगफली। तो चलिए सबसे पहले हम अपने कढ़ाई को गर्म कर लेते हैं, गैस के फ्लेम को ऑन कर लेते हैं। कढ़ाई हमने अपनी गर्म होने रख दी है। सबसे पहले हम इसमें 1 चम्मच देसी घी डालेंगे। ज्यादा घी का इस्तेमाल इसमें नहीं होता, बस 1 चम्मच देसी घी बस इतना। जब थोड़ा सा ये मेल्ट हो जाएगा तब हम इसमें अपना गुड़ डाल देंगे। देखिए घी गर्म हो रहा है। चलिए हमारा घी मेल्ट हो गया है, अब हम इसमें अपने सारे गुड़ को ट्रांसफर कर देंगे। गैस के फ्लेम को स्लो रखिए, और इसको धीरे धीरे अपने आप ही पिघलने दीजिए। इसमें कोई पानी वगैरह नहीं डालना है, तो इसको अच्छे से मेल्ट होने देते हैं। ये देखिए हमारा गुड़ अच्छे से मेल्ट हो रहा है। इसको धीरे धीरे आप दबाते हुए प्रेस करते रहिए, तो ये गर्माई से पिघलता रहेगा, और ये सारा का सारा पिघल जाएगा। ये देखिए गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो से मीडियम ही रखना है, वरना हमारा ये गुड़ जल्दी जल्दी के चक्कर में थोड़ा सा जल जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा गुड़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है। ये देखिए हमें इसको ज्यादा देर नहीं पकाना है। हमने जो भी मूंगफलियां ली है वो हम इसमें डाल देंगे। मूंगफलियां आप अगर चाहें तो अपने हिसाब से इनको मिक्सी में ग्राइंड करके थोड़ा सा टुकड़ों में भी कर सकते हैं, नहीं तो वैसे गुड़पट्टी में ऐसे ही अच्छी लगती है, तो मैंने इनको क्रश नहीं किया है। आप चाहें तो इनको क्रश भी कर सकते हैं। और 1 से 2 मिनट हम इसको ऐसे चलाएंगे। गैस की फ्लेम को लो रखिए, और इतने हम अपनी प्लेट को ग्रीस कर लेते हैं। ये देखिए हमने अपनी मूंगफलियों को इसमें डाल के अच्छे से चलाना है। 1 से 2 मिनट के लिए हमें इसको चलाना है। ये देखिए कढ़ाई को ये छोड़ने लगा है मिक्सचर। ये देखिए इसी प्रकार से इसको 1 से 2 मिनट चला के हमने जो प्लेट ग्रीस करी है, ये देखिए घी लगा के हमने इस प्लेट को ग्रीस कर लिया है, इसलिए हम इसको ट्रांसफर कर देंगे। ये देखिए हमारा मिक्सचर कढ़ाई को छोड़ने लगा है, 1 से 2 मिनट हो गए हैं। अब इसको हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे, और इस मिक्सचर को हम ग्रीस करी हुई प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। ये देखिए हमने इसको प्लेट में ट्रांसफर कर लिया है। अब इसको हम 5 से 6 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए इसी प्लेट में छोड़ देंगे। चलिए फ्रेंड्स, 5 से 6 मिनट हो गए हैं इसको सेट हुए। अब हम इसके पीसेस को कट कर लेते हैं। ये देखिए हमने इसके सभी पीसेस को कट कर लिया है। आप देख सकते हैं कितने बढ़िया इसके पीसेस निकल के आए हैं। आप ये गुड़पट्टी घर में अच्छे से ट्राई करिए, बनाइए और खूब अच्छे से खाइए। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगली वीडियो में मैं आपके साथ फिर से मिलती हूँ। इंस्टा पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, और कमेंट करके आप ज़रूर से बताइए कीजिए कि आपने ये गुड़पट्टी बनाई तो आपने कैसे फटाफट से बनाई, और आप बाजार की गुड़पट्टी खाना भूल जाएंगे अगर आपने ये बना ली। तो फ्रेंड ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय।